यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो बेहतरीन शेयर जिसमें ब्रेकआउट हो रहा है। देखिए, ब्रेकआउट का मतलब ये नहीं होता है कि शेयर वापस नहीं गिरेगा, वापस शेयर गिर सकता है, लेकिन ज्यादातर जो देखा गया है ब्रेक फंडामेंटली जो सॉलिड स्टॉक्स है, ब्रेकआउट के बाद फिर से आपको उस प्राइस लेवल पे नहीं मिलते हैं दोबारा। इसलिए या तो किसी अच्छे स्टॉक में आप एंट्री करना चाहते हैं, या तो जब स्टॉक गिरावट में मिला है तब एंटर कीजिए, या जब उस स्टॉक में ब्रेकआउट हो रहा है तब फिर उसमें एंट्री कीजिए। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बता दें, कभी भी आपको किसी से उधार लेकर, लोन लेकर, कर्ज लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये आपके लिए आगे चलकर एक बड़ी परेशानी उत्पन्न कर सकता है। इसलिए जब भी इन्वेस्ट करें, अपना जो सरप्लस मनी है उसी को इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक है वो है डीमार्ट। देखिए, स्टॉक काफी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, ये स्टॉक हमेशा बाय ऑन डिप है। किसी भी गिरावट में आप इस स्टॉक को आंख बंद करके बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में निश्चित रूप से आपको हमेशा ये मल्टी बैगर रिटर्न देगा। तो देखिए, ये स्टॉक यहाँ पर अगर हम सपोर्ट की बात करें, 3900 का सपोर्ट है। यहाँ पर जो स्टॉक ब्रेकआउट दिया है तो यहाँ पर अगर ये थोड़ा बहुत करेक्शन करता है तो उस पर इंटर कर जाएंगे, या किसी भी प्राइस लेवल पर यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। हो सकता है यहाँ से स्टॉक ऊपर ही चलता चला जाए। तो जब आज की क्लोजिंग से अगर ये स्टॉक ऊपर निकलता है तो फिर ये यहाँ से ऊपर ही चलता चला जाएगा। तो इसलिए आप इसमें अगर इंटर करना चाहते हैं तो करेंट प्राइस पे बाय कर लीजिए, या गिरावट में थोड़ा बहुत मिलता है तो वहां पर बाय कीजिए। किसी भी प्राइस पे ये स्टॉक अभी बाई है, क्योंकि स्टॉक काफी बुलिश पैटर्न बनाया है और मार्केट में भी तेजी है। तो इस तरह से हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से ऊपर की ओर मोमेंटम दिखाता चला जाए। अगर स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात करें, फंडामेंटली ये स्टॉक काफी सॉलिड है। अगर मार्केट कैप की बात, 2,57,000 करोड़ का मार्केट कैप है और डिविडेंड यील्ड 0 है। कंपनी पूरी तरह से ग्रोथ पर फोकस कर रही है, तो कोई डिविडेंड आपको पे नहीं कर रही है। और रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लॉयड 12%, रिटर्न ऑन इक्विटी 9%, लेकिन इससे कहीं ज्यादा बेहतर यह स्टॉक है। प्रमोटर्स होल्डिंग 75%, कोई शेयर प्लीज नहीं है। डेट टू इक्विटी ऑलमोस्ट 0 है, 0.03, मतलब निग्लिजिबल डेट है, जो कि मात्र है 393 करोड़ का, जबकि कंपनी के पास रिजर्व 11,000 करोड़ का। लगातार कंपनी का रिजर्व बढ़ रहा है, मतलब कंपनी आने वाले समय में आपको बोनस शेयर दे सकती है, क्योंकि रिजर्व और सरप्लस मनी जब कंपनी यूज करती है अपने एक्सपेंशन में, तो वो कंपनी अपने शेयर होल्डर को बदले में बोनस शेयर इश्यू करती है। वहीं देखिए, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें और सेल्स ग्रोथ था, टॉप लाइन ग्रोथ भी काफी जबरदस्त है। 2200 करोड़ का यहां पर सेल्स ग्रोथ था, 2012 में सेल्स था, जबकि 2021 में बढ़कर हो गया 24,000 करोड़ का। और प्रॉफिट देखिए, मात्र 60 करोड़ का था, जो कि बढ़कर हो गया 1,000 करोड़ का। तो काफी जबरदस्त ग्रोथ है कंपनी का। और वहीं पर बात करें, बैलेंस शीट शेयर कैपिटल 648 करोड़ का है कंपनी के पास। रिजर्व है कंपनी का लगातार इंक्रीज होकर के 11,000 करोड़ पहुंच चुका है, जबकि 2012 मात्र 148 करोड़ का था। तो देखिए कितनी जबरदस्त ग्रोथ है कंपनी में। और देखिए, डेट कंपनी का जो लॉन्ग टर्म डेट है वो ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट है, बीच में इंक्रीज हुआ था तो काफी डिक्रीज भी हुआ। कैश फ्लो की बात करें तो कंपनी कैश फ्लो लगातार अपने ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जनरेट किया है, मतलब ये इतनी सॉलिड कंपनी है जिसको आप कभी भी किसी भी गिरावट में खरीद सकते हैं। प्रमोटर्स होल्डिंग जितना मैक्सिमम हो सकता है उतना है कंपनी में, तो हर पैरामीटर्स की कंपनी काफी बेहतरीन है। तो निश्चित रूप से इस स्टॉक में आप हर गिरावट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है माइंडट्री। ये स्टॉक भी काफी जबरदस्त यहाँ पर ब्रेकआउट है। देखिए, ये हमेशा स्टॉक बाई है, इतना चार्ट पैटर्न सॉलिड है कि किसी भी गिरावट में आप इसको भी बाय कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर स्टॉक में कंसेशन रहना पड़ेगा, क्योंकि यह मिड कैप स्टॉक से, तो जब मिड कैप स्टॉक में करेक्शन स्टार्ट होगा तो ये सारे स्टॉक करेक्शन में दिखाएंगे। फिलहाल ये स्टॉक काफी बुलिश है, तो किसी भी गिरावट में बाय कर सकते हैं। यहाँ स्टॉक हमेशा एक नया हाई बना रहा है, तो आप करेक्ट प्राइस में बाय कर लीजिए, या यहाँ पर किसी गिरावट में आपको मिलता है तो वहां पर बाय कर लीजिए। देखिए, कैसे भी गिरावट में यहां से जैसे ये गिरावट हुआ, यहां पर देखिए रिवर्सल साइन दिया, गिरावट के बाद छोटे छोटे ये बुलिश कैंडल बना है, तो यहां पर आप एंट्री कर लीजिए, क्योंकि फंडामेंटली स्टॉक्स काफी सॉलिड है। तो जो फंडामेंटली सॉलिड स्टॉक्स होते हैं उसमें आप किसी भी प्राइस पे एंटर कर सकते हैं गिरावट के बाद। अब देखिए, यहाँ पर माइंडट्री की बात करें, मार्केट कैप 67,000 करोड़ का है और यहाँ पर डिविडेंड यील्ड जो कंपनी का वो है 0.61%, काफी अच्छा डिविडेंड यील्ड भी है। प्रमोटर होल्डिंग 61% है, कोई शेयर प्लेस नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.12 का है और टोटल डेट की बात करें 500
77 करोड़ का है। तो डेट भी कंपनी के ऊपर काफी कम है, जबकि रिजर्व देखिए 4498 करोड़ का और नेट प्रॉफिट 1241 करोड़ का। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन है, टॉप लाइन बॉटम लाइन ग्रोथ। तो टॉप लाइन ग्रोथ 1296 करोड़ का सिर्फ 2000 में बढ़कर के हो गया है 7968 करोड़ का। देखिए सेल्स में काफी गजब का तेजी है। नेट प्रॉफिट में देखिए कितना वृद्धि हुआ है, 215 करोड़ का मात्र प्रॉफिट का 2010 में, जो कि बढ़कर हो गया 1100 करोड़ का। हर पैरामीटर्स पे कंपनी काफी बेहतरीन कर रही है। शेयर कैपिटल कंपनी के पास 165 करोड़ का है, रिजर्व कंपनी का लगातार बढ़ा है और जो कंपनी का डेट है वो भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। डेट यहाँ पर 2010 में मात्र 3 करोड़ का था, जो कि 577 करोड़ का हो चुका है। तो हर पैरामीटर्स पर कंपनी काफी बेहतरीन कर रही है। थोड़ा सा डेट है, कुछ खास डेट नहीं है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बात करें तो कैश फ्लो भी कंपनी लगातार जनरेट की है। और वही कंपनी बात करें इन्वेस्टर सेक्शन का, तो प्रमोटर्स का स्टेक कंपनी में 61% है। कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो 60% से भी ज्यादा है और तो काफी बेहतरीन बात है। और FIs का 13%, DIs का 11% और पब्लिक का स्टेक 13%। तो हर पैरामीटर्स पे भी कंपनी काफी सॉलिड है और किसी भी प्राइस पे आप इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं। बस आपको टाइम देना है, स्टॉक को बाय करने के बाद निश्चित रूप से आपको बेहतरीन रिटर्न मिलेगा। लेकिन दोस्तों टाइम टाइम पर आपको प्रॉफिट भी बुक करते रहना है। जब मार्केट का सिनेरियो चेंज होता है, जो मिड कैप स्टॉक्स है वो परफॉर्म करना बंद करते हैं, तो प्रॉफिट जरूर बुक करते रहिएगा। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल और इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।